जय हिंद दोस्तों, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। 275 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी भी दी गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, भारतीय किसी भी कोने से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो सीमा सुरक्षा बल की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, संपूर्ण जानकारी आपकी वीडियो में दी गई है, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। और अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक बैक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है 275 वैकेंसी दी गई टोटल, जो पोस्ट नेम होगा कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, यानी कि जीडी की आपको यहां पर वैकेंसी मिल जाएगी। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहां पर वैकेंसी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपकी जहां पर हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहां पर जानकारी दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। आपकी जो यहाँ पर दौड़ रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 5 किलोमीटर के लिए 24 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल के लिए 1600 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 8.5 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आप करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी, यानी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। आपको जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस होगा यूआर जनरल ओबीसी के लिए 147 रुपये रहेगा, और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी बैंक चालान द्वारा ही आप यहाँ पर इनको पे करना होगा। और आपका जो यहाँ पर एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18-23, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18-26, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18-28। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी को आपकी जन है तो 18 से कम हो ना 23 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एसएसटी वालों को 5 दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस भर्ती की जो फिजिकल टेस्ट की जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए जाना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। जोन जोन से डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँगा उनके सभी की आपको जीरोक्स भी बनवा लेनी है और उनको सेल्फ टेस्टेड भी कर लेना है। सबसे पहले 4 फोटो की जरूरत रहेगी, जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी सर्टिफिकेट यहाँ पर देने होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड मस्ट है, यानी कि आपको आधार कार्ड देना ही देना होगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ये ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कनेक्ट को देना होता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपके यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे, यानी जिन डॉक्यूमेंट से आप यहाँ पर आवेदन करेंगे उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट फेक या गलत होता है तो आपको वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद से आपको फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं, लेकिन सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। यानी कि सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। आवेदन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, उसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर दी गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन करना होगा आवेदन करने के लिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करना होगा आवेदन करने के लिए, नहीं तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाना है जहाँ पर न्यू कैंडिडेट लिखा हुआ है रजिस्टर हियर, आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी फिल करनी होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि आपको यहाँ पर ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करानी होगी, तभी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब बात रही अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो पर 200+ लाइक आ जाते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, और उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे। आर्मी BRO के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, आप उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। इस भर्ती के लिए फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का जो फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे BSF की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, स्पोर्ट पर्सन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है, इन इवेंट में आपको यहाँ पर रनिंग करनी होगी तभी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि स्पोर्ट पर्सन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस पेज पर मिल जाएगी, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।